अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैकडी इंडिकेटर के बारे में। बेसिकली मैकडी इंडिकेटर लेट सिग्नल में देता है, लेकिन इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी ज़्यादा है। ये एक सिंपल और इजी इंडिकेटर है। अगर आप इस इंडिकेटर को सही तरह से अप्लाई करते हैं तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये इंडिकेटर क्या है। मैकडी इंडिकेटर बेसिकली, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इट गिव्स अस बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल। ये हमें बाइंग और सेलिंग के सिग्नल देता है। ये हमें बताता है कि कहाँ पर हम अपनी ट्रेड को ओपन करना है और कहाँ पर हमने अपनी ट्रेड को क्लोज करना है। व्हेन मैकडी लाइन क्रॉस ओवर द सिग्नल लाइन, इट गिव्स अस द बाइंग सिग्नल। जब भी मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, ये हमें बाइंग इंडिकेशन देगा। यहाँ पर हमने जाके अपनी ट्रेड को ओपन करना होगा। ये मैकडी लाइन क्या है और सिग्नल लाइन क्या है, ये मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर आपको बताऊंगा। व्हेन द सिग्नल लाइन क्रॉस ओवर द मैकडी लाइन, इट गिव्स अस द सेलिंग सिग्नल। जब भी ये सिग्नल लाइन क्रॉस कर दिया है मैकडी लाइन को, इट गिव्स अस सेलिंग सिग्नल। यहाँ पर हमें बताएगा कि हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। तो अब हम ग्राफ में जाकर देख लेते हैं कि इस इंडिकेटर को कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए, मैंने BTC और USD का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो इस चार्ट पर हम इस इंडिकेटर को अप्लाई कर लेते हैं। बेसिकली इस इंडिकेटर के स्टैंडर्ड कलर, उसमें जो ब्लू लाइन है ये मैकडी लाइन कहलाते हैं, ये जो ऑरेंज लाइन है ये सिग्नल लाइन कहलाते हैं इसे। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है, जैसे ही मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, ये हमें बाइंग इंडिकेशन देगा। ये देखें, जैसे ही इस मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, इसने हमें बाइंग इंडिकेशन दी और देखिए मार्केट कैसे ऊपर की तरफ गई। इसी तरह जैसे इस सिग्नल लाइन ने मैकडी लाइन को क्रॉस किया, यहाँ हमें ये सेलिंग की इंडिकेशन दे रहा है। ये देखें, ये जो सिग्नल लाइन, ये जो ऑरेंज लाइन है, जैसे इसने मैकडी लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पर इसने हमें सेलिंग की इंडिकेशन दी। ये देखें तो मार्केट किस तरह नीचे की तरफ आई। तो इसी तरह हम कोई और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, किसी इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं किसी और एग्जाम्पल पर। ये देखें, जैसे ही इस मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, तो ये देखें मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गई और यहाँ मार्केट दोबारा कंसोलिडेट हो गई। इस इंडिकेटर में ये जो ब्लॉक हैं, इन्हें हम हिस्टोग्राम के कहते हैं। ये बेसिकली हमें मार्केट में वॉल्यूम के बारे में बताते हैं। ये देखें, जैसे ही इस मैकडी लाइन ने इस सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, तो इन ब्लॉक ने ये देखें ग्रीन होना शुरू कर दिया। ये देखें ग्रीन, ये बेसिकली हमें बता रहे कि यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड को ओपन करना है, यहाँ पर हमने बाइंग करनी है। ये देखें, तो बेसिकली यहाँ जो बायर हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट हैं और यहाँ ये लाइटर ग्रीन हो गए। यहाँ ये हमें बताते हैं कि अब ऐसा ऐसा जो बायर हैं उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दिया है। ये देखें, तो यहाँ पर ये जैसे ही रेड होना शुरू हो गया, यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अब सेलर ज़्यादा आ रहे हैं, हमें मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए। ये देखें, तो इन हिस्टोग्राम के थ्रू भी हम बाइंग और इंडिकेशन कर सकते हैं। बाइंग और सेलिंग की इंडिकेशन ये भी हमें देते हैं। तो काइंडली वीडियो को लाइक, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।